संस्कृति को जीवित रखने और अपनी अगली पीढ़ी को संस्कृति से अवगत करवाने के उद्देश्य से सोलन में किन्नौर कल्याण समिति द्वारा निजी होटल में तोसीम 2018 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएनएल चीफ इंजीनियर अंकुरित दोरजे नेगी बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन डीटी नेगी सहित रामपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग पसांग नेगी भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। सोलन में रह रहे किन्नौर जिला के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर युवाओं ने रंग बिरंगी परिधानों में किन्नौरी गानों की धुनों पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंकुरित दोरजे नेगी ने कहा कि किन्नौर में तोसीम का आयोजन बहुत पुराने समय से किया जाता आ रहा है। जब किन्नौर में बर्फबारी होती थी तो लोगों के पास कुछ काम करने को नहीं होता था, तब लोग मिलजुल कर नाच गाना व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। उसी प्रथा को जारी रखते हुए तोसीम का आयोजन किया गया है। किन्नौर कल्याण समिति द्वारा किन्नौर मूल के सेवानिवृत्त करीबन 40 लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। ये तोसीम का जो कार्यक्रम है, ये हमारी बहुत पुरानी सदियों से जो है हमारी एक परंपरा रही है कि जब सर्दियों के मौसम में जब हम लोग काम से फ्री होकर के हम लोग सामूहिक जो है बैठक गाँव में किया करते थे, और इसको जो है हम अपने सांस्कृतिक जो बंधन है और प्रेम भाव से जो हम लोग रहते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ये उसी का एक प्रतीक है। और जो अभी यहाँ पे सोलन में भी जो है ना, इस वक्त बहुत सारे लोग किन्नौर के हर कोने से जो है लोग यहाँ आए हुए हैं, और आप देखेंगे आज यहाँ पे जो है सब लोग इकट्ठे जो ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। हमारे प्रधान जी जो कल्याण समिति सोलन है, किन्नौर कल्याण समिति, जो एक बहुत हमारे जो किन्नौर की संस्कृति को प्रिजर्व रखने का एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसी दिशा में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे किन्नौर की संस्कृति जो है प्रिजर्व हम रखते हैं इसको। अब नई जो पीढ़ी आ रही है वो पुरानी संस्कृति को जो है थोड़ा सा भूलने की ओर जा रहे हैं लोग। मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि जो है ना हमारा जो संस्कृति है किन्नौर की, ये इतनी बहुमूल्य और अतुलनीय है जो किसी प्राय दूसरे प्रांत में कम पाई जाती है इस तरह की। और इसी वजह से जो है ना हम लोग ना केवल हिमाचल में, भारतवर्ष में, बल्कि विश्व स्तर पर भी जो है बहुत ही हम लोग जो है विख्यात हैं अपनी संस्कृति के लिए।